उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के स्वामित्व वाले ट्रस्ट की ओर से संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रामपुर पुलिस का दावा है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो दोस्तों से पूछताछ के बाद जौहर विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज की इमारत में से मदरसा आलिया से चोरी हुआ फर्नीचर और 7,000 किताबें बरामद की गई है। आलिया मदरसा की प्रधानाचार्य आलिया जुबैर अहमद खान ने भी इनकी पहचान कर ली है। रामपुर पुलिस ने बताया कि विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो करीबी सलीम और अनवर को 4 दिन पहले जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान सलीम और अनवर ने विश्वविद्यालय परिसर में चोरी करके छिपाए विभिन्न सामानों का खुलासा किया। पहले दिन जौहर विश्वविद्यालय परिसर से रामपुर नगर पालिका की एक कीमती सफाई मशीन बरामद हुई। पुलिस ने कैंपस भवन में लिफ्ट के लिए बने सॉफ्ट में छिपी कीमती किताबें बरामद की है। बता दें कि मदरसा आलिया पुस्तकालय से किताबें चोरी होने का वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मदरसा आलिया पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1774 में रामपुर के नवाब द्वारा की गई थी। तब इसे राजकीय और ओरिएंटल कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। बता दें रामपुर पुलिस ने बताया कि वर्ष 2019 में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। किताबें चुराने के आरोपी 7 लोगों को जेल भेजा गया था। उनके पास से करीब 2500 किताबें बरामद की गई थी। सलीम और अनवर से पूछताछ के बाद पुलिस को विश्वविद्यालय के लिफ्ट सॉफ्ट में छिपी हुई 7,000 और किताबें मिली है। पुलिस ने यह भी कहा कि सलीम और अनवर ने कबूल किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर किताबें चुराई गई थी और विश्वविद्यालय में छिपा दी गई हैं। रामपुर पुलिस ने कहा कि उस समय विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। अंकल एक बार दिखा दे। बाकी तो ये सब जो भी है। थैंक यू मैडम। बोलिए कि मैं से ये जो